की बड़ी खबर से तमाम दर्शकों को हम रूबरू करवा रहे हैं, जो कि पानीपत से सामने आ रही, जहां पर लॉकडाउन के चलते सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। यूपी की ओर से आने वाले सभी रास्ते भी जो हैं वो सील कर दिए गए हैं और यमुना नदी लोगों के आने जाने का साधन बनी हुई है। यमुना के रास्ते जमातियों के आने जाने की आशंका भी प्रशासन की ओर से जाहिर की जा रही है। लोगों के आने जाने पर हालांकि प्रशासन का कोई ध्यान है भी नहीं और फिलहाल ये डर बना हुआ है कि जो जमाती निजामुद्दीन से मरकज से जो भागे हैं या फिर वो निकल कर आए हैं वो गांव में प्रवेश न कर जाए। और ये चिंता की स्थिति भी वाकई बनी हुई है कि अगर ये कोरोना वायरस गांव में दस्तक देता है तो स्थिति बेहद गंभीर बन सकती है, स्थिति अनकंट्रोलेबल भी बन सकती है। तो लॉकडाउन के चलते सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, यूपी की ओर से जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं। फिलहाल यमुना नदी लोगों के आने जाने का रास्ता बनी हुई है और इसी रास्ते से आशंका जताई जा रही कि जमाती जो है वो गांव में प्रवेश कर सकते या फिर इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। और देखिए, जमातियों के आने जाने की आशंका पर प्रशासन ने इधर भी ध्यान देना शुरू किया। हालांकि इससे पहले प्रशासन ने अपनी सख्ती नहीं दिखाई थी, प्रशासन की ओर से लगातार स्थिति से निपटने के दावे तो किए जा रहे थे, लेकिन इस स्थिति से किस तरह से निपटा जाए, किस तरह से इस स्थिति पर अंकुश लगाया जाए, इस पर प्रशासन की जो नजर है वो अभी आनी शुरू हुई है। यमुना की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके चलते यूपी से भी काफी मजदूर यहां पर आया करते हैं और प्रवासी मजदूर भी यहां से आते थे, चाहे गेहूं की कटाई की बात हो या फिर किसी भी व्यवसाय की बात हो या फिर छोटे छोटे मजदूरी के कार्यों की बात हो, तो ये जाहिर सी बात है आम लोगों के लिए एक रास्ता ही था और ये रास्ता आज भी है। लेकिन प्रशासन की ओर से सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, यूपी की ओर से आने जाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए हैं ताकि जमाती कोई भी गाँव में प्रवेश ना कर पाए, जमाती इस क्षेत्र में ना आ पाए। तो लगातार बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और इसी के साथ आपसे ये भी आग्रह कर रहे हैं कि आप भी अपने गांव में किसी तरह के संदिग्ध व्यक्ति को देखें तो नजदीकी प्रशासन को या नजदीकी थाने में जरूर आप सूचित करें और जरूर बताएं कि किस तरह के लोग जो हैं आपने अपने क्षेत्र में देखे हैं, क्या उनकी कार्यशैली रही, क्या उनकी ओर से कहा गया, क्या उनकी ओर से बताया गया। तो इस स्थिति में बेहद अहम हो जाता प्रशासन को सहयोग देना और प्रशासन के सहयोग के साथ खुद भी खड़े रहना। तो देखिए, पानीपत से बड़ी खबर बता रहे जहां से जो है सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं ताकि वाहनों की आवाजाही भी ना हो और इस आवाजाही में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति ना हो जो कि कोरोना से या तो संलिप्त हो, कोरोना से संक्रमित हो, रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो, लेकिन वो व्यक्ति कोरोना के लक्षणों से प्रभावित ना हो। और देखिए, कोरोना वायरस का संक्रमण व्यक्ति दर व्यक्ति हो रहा है, लोगों की चपेट में आ रहे हैं लोग लगातार जो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। तो कोरोना वायरस एक चेन के तौर पर काम कर रहा है, एक कड़ी के तौर पर काम कर रहा है। यदि किसी एक व्यक्ति को कोरोना है तो आसपास में यदि 10 व्यक्ति खड़े हैं तो उन 10 को भी कोरोना पॉजिटिव होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं और इसी को देखते हुए प्रशासन ने भी एहतियातन तौर पर सभी रास्ते जो हैं वो सील कर दिए गए हैं। प्रशासन अपनी कड़ी मुस्तैदी जाहिर कर रहा है और यमुना नदी के किनारे से जो है वहां पर भी प्रशासन देखरेख कर रहा है। पहले तो हालांकि प्रशासन सख्त था, लेकिन प्रशासन इतना सख्त नहीं था कि वो आने जाने वाले हर व्यक्ति पर अपनी नजर बनाए रखे, हर गतिविधि पर प्रशासन की पैनी नजर हो। लेकिन अब स्थिति जिस तरह से गंभीर होती जा रही है उसी तरीके से प्रशासन भी गंभीर नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जरा बताइए, लॉकडाउन के चलते पानीपत के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं और क्या कारण रहा, क्या उद्देश्य रहा प्रशासन का? तो देखिए सोनिया, सबसे बड़ी बात जो है, अगर मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि जिस तरीके से जो है खबरें आ रही हैं, खासकर जमानती को लेकर जो निजामुद्दीन से निकले हैं और वो कहीं ना कहीं आपको मैं ये बता दूं कि देखिए सारी जो है यूपी की सीमाएं जो है जो पानीपत से लगती हैं सारी सील कर दी गई है, लेकिन हरियाणा न्यूज आज यमुना किनारे जो है हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग ट्यूब लेकर पार हो रहे हैं, आ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा खतरा जो है, मैं बताऊंगा कि आपको अगर सनोली से लें तो आप इसके साथ जो है हतवाला, कारकोली, राजसेड़ा, गढ़, इस तरीके के गांव बसे हुए हैं यमुना तलहटी के नीचे, कि वहां से जो है लोग निकलते भी हैं। हमने कुछ लोगों को भी देखा है, लोगों से बात भी की है, तो कहीं ना कहीं वो हमसे मुंह छुपाते भाग रहे हैं कि जिस तरीके से देखें इस पर प्रशासन का प्रशासन की नजर नहीं है। और मैं बताऊं आपको कि यमुना का एक छोटा सा डिस्टेंस है जहां पर मैं खड़ा हूं, अगर मैं यहां से सीधा क्रॉस करता हूं तो मैं यूपी की बॉर्डर में पहुंच जाता हूं। यहां से लगते हुए गांव है, ये लगा लीजिए आपका
छपरौली है, बदरखा है, जो जो बाकायदा बागपत और मेरठ को निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं आदमी जा रहे हैं आ रहे हैं, ट्यूब का सहारा ले रहे हैं, तो प्रशासन का इस पर क्यों नहीं ध्यान है? और यहां तक सोनिया आपको मैं एक एक चीज और बताऊंगा, आपने सूत्रों से, हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो जमाती लोग हैं वो यमुना का सहारा ले रहे हैं, वो कुछ गांव के अंदर यूपी में जा रहे हैं, यूपी से हरियाणा में आ रहे हैं, लेकिन इस तरफ प्रशासन का जो है कोई ध्यान नहीं है। और जबकि आज की अपडेट में बता दूं आपको कि देखिए आज जो है 3113 लोग जो है संक्रमण से पीड़ित है पूरे भारत के अंदर, जिसके अंदर 1023 लोग जो है वो निजामुद्दीन मदरसे से जो आए हुए हैं लोग, वो पीड़ित बताए जा रहे हैं, यानी कि 30% लोग वो है जो इन लोगों ने बीमारियां, ये लगा लीजिए जो जो आप कोरोना से पीड़ित बताए जा रहे हैं। तो आप देख लीजिए कितना बड़ा आंकड़ा है इन लोगों का, और उसको लेकर जो है प्रशासन की बिल्कुल भी, आप देखेंगे यमुना किनारे कहीं भी कोई पुलिस प्रशासन नहीं मिलेगा, कोई मुस्तैद नहीं है। तो यहाँ पर आम लोग आ जा रहे हैं, उन लोगों को डेली का रूटीन है जी। जितेंद्र, इससे पहले भी अगर जिक्र करें तो प्रशासन की कैसी सख्ती रखी है, क्या प्रशासन की सख्ती पर सवालिया चिन्ह यहाँ से खड़े हो रहे हैं इस कार्यशैली को देखकर, इस तमाम मुद्दे को देखकर? सोनिया देखिए, हरियाणा न्यूज को पता लगा था कि प्रशासन ने जो है सड़कों को बाकायदा सड़कें जो है रोक रखी है, वहां पर निकलना आना जाना मुश्किल है, आप परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन जहां पर सड़कों की बात करें बिल्कुल सीमाएं सील कर दी गई है, वहां पर इस यमुना का ख्याल क्यों नहीं रखा? मैं एक बार फिर बता रहा हूं आपको कि अगर यमुना के किनारे के तलैटी के गाँव देखेंगे तो यहां पर कम से कम अनगिनत गाँव लगते हैं, और धीरे धीरे ये जो सोनीपत की तरफ कारोबार बढ़ता चला जाता है। और यूपी का मैं बताऊंगा आपको कि बागपत देखिए मेरे सामने जो है छपरौली सामने है, कार ये बदरखा मेरे सामने दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आदमी बड़े इजी तरीके से क्रॉस कर जाता है और वहां से आ सकते हैं। तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि कोई भी प्रशासनिक आदमी नहीं है, यहां पर गांव के अंदर जो सरपंच है उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लगाई गई कि अगर इस तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि वो जमाती लोग जो है, या जिस तरीके का कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने इतना बड़ा अलर्ट घोषित किया है, लॉकडाउन चल रहा है, आज प्रधानमंत्री की अपील पर जो है रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए लोग बाग जलाएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ जब चाहे आप जाइए आइए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आपको तस्वीरों के जरिए भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यमुना से प्रवासी मजदूर भी पहले भी आ जा रहे थे, और अब भी जैसे कि जितेंद्र ने, हमारे संवाददाता ने जो बताया कि यहां से भी आशंका जताई जा रही है कि जमाती लोग जो हैं वो गांव में प्रवेश कर सकते हैं। और यमुना से अगर हम बात करें, यहां से प्रवासी मजदूर भी आते जाते हैं, यहां से व्यवसायी भी आते जाते हैं, यानी कि ये एक शॉर्टकट रास्ता माना जाए जहां से लोग बचा के भी प्रशासन आ जा सकते हैं।